আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, যারা সবাই পিছনে বসে আছে আপনারা কিসের ভয় করছে? করোনার ভয় না অমিত শাহর ভয়? কিসের ভয় করছে আপনি? তো না করোনা সে ডরনা হ্যাঁ না অমিত শাহ সে ডরনা হ্যাঁ? ডরেঙ্গে নেই? ডরেঙ্গে? তো ইউএসএফ কা জো লোগো হ্যায় সব লোগ হিন্দি সমঝতে হ্যায়? ইয়াহ পে উর্দু সমঝতে হ্যায়? হাত উঠাইয়ে কন কন সমঝতে হ্যায় হিন্দি? ইউএসএফ কা লোগো পিছে দেখিয়ে মুঠি হ্যায়, বাংলাতে কি বলে মুঠি কে? মুষ্টি। এ মুষ্টি বানাইয়ে সব লোগ বানাইয়ে, মুঠি বানাইয়ে, হাত উপর কিজিয়ে। ইস মুঠি সে, ইস মুঠি সে গলত কো হমে মার কর ভাগানা হ্যায় ইয়াহ সে। ইস মুঠি সে জো দো গুজরাতি बंगाल में आकर बंगाल की धरती को नापाक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये मुट्ठी दिखाना है। तो जोर से एक बार मुट्ठी ऊपर करके बोले यूएसएफ जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद, रूहुल भाईजान जिंदाबाद, रूहुल भाईजान जिंदाबाद, बंगाल जिंदाबाद, बंगाल जिंदाबाद। अब आप देखिए, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि आप लोग आज यहां क्यों आए हैं? अगर आप कहेंगे ये बात कि मैं अपने लिए आया हूं तो मैं कहूंगा आप गलत हैं, आप गलत हैं। हम आज यहां पर अपने लिए नहीं आए हैं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि हमारी नस्लें इस देश में, ताकि आज हम वो काम कर जाएं जिसके वजह से हमारी आने वाली नस्लें सर उठाकर जी सके। हमारी नस्लें ये संघियों की गुलाम बनकर जिंदगी ना काटे इस देश में, इसलिए आज हम यहां जमा हुए हैं। दिल्ली में मैं आम आदमी पार्टी का प्रचार किया, केजरीवाल से उनके ऑफिस में जाकर मिला और आम आदमी पार्टी का प्रचार किया। सोचा बहुत सेक्युलर है ये लोग, जितने लोग टोपी पहनकर हमारे इफ्तार में आते हैं हमें लगता है कि बहुत सेक्युलर है, ये हमारे अपने हैं। मैं बता दूं, जब दिल्ली में दंगा हो रहा था और दिल्ली पुलिस मुसलमानों का कत्ल कर रही थी, दिल्ली पुलिस मैं कहता हूं, तब केजरीवाल जी विधानसभा में ओथ ले रहे थे, विधानसभा में ओथ ले रहे थे और कह रहे थे हमें पता ही नहीं विधानसभा के बाहर क्या हो रहा है। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी के लोगों से, कहां थे आप लोग? एक घंटे बाद, दो घंटे बाद पहुंचे कि विधानसभा में ओथ ले रहे थे, हमें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। ऐसा होता है क्या? आज जब यूएसएफ का गठन हुआ, मैं कभी तसव्वुर नहीं किया था इस बात का कि इस यूएसएफ के गठन करने से, के बनाने से लोग हम पर उंगली उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। सुना आपने, हम पे ये लालचन लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम बीजेपी के एजेंट हैं। मैं बता दूं, मेरी पहली मुलाकात जब रूहुल भाई से पहली मीटिंग में हुई, तो उस दिन यूएसएफ की पहली मीटिंग में जो पहली बात रखी गई वो ये थी कि अगर यूएसएफ के बनाने से बीजेपी को फायदा होता है तो उस दिन हम यूएसएफ को बंद कर देंगे। और मुझे हंसी आती है इस कौम पर और हमारे लोगों पर जब दलित दलितों के लिए आवाज उठाए तो कहते हैं दलित नेता आ रहा है। देखो क्या कहते हैं, देखो दलित नेता आ रहा है। जब आदिवासी आदिवासी के लिए आवाज उठाए तो कहते हैं देखो आदिवासी नेता आ रहा है। जब औरतें औरतों के लिए आवाज उठाए तो कहते हैं देखो वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट आ रही है। जब मुसलमान मुसलमान के लिए आवाज उठाए तो कहते देखो बीजेपी का एजेंट आ रहा है। ये हमारी बस बदकिस्मती है कि हमें डराया जाता है। आज डर की पॉलिटिक्स की जा रही है, हमें डराया जा रहा है। देखो बीजेपी आ जाएगा, देखो अमित शाह आ जाएगा, देखो मोदी आ जाएगा, तो डर जाओ और किसी और की तरफ ना देखो। हमने 70 साल से तुम्हें बेवकूफ बनाया और आगे भी बेवकूफ बनाते रहेंगे। 70 साल से, 70 साल से नकली सेक्युलरिज्म का गाना गाए और अब डर दिखाकर तुमसे वोट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आज जो लोग सरकार में हैं, मैं ये पूछता हूं आपसे कि जो लोग सरकार में हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि 2021 के इलेक्शन में वही लोग फिर से सरकार में आएंगे?
क्या आप में से कोई इस बात की गारंटी दे सकते हैं? क्या आप में से इस बात की कोई गारंटी दे सकते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है? इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम तो दुआ करते हैं कि बीजेपी सरकार ना बनाए, मगर अगर बीजेपी सरकार बना लेती है बंगाल में, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सुनिए क्या होगा। अब जब बीजेपी अब तक सरकार नहीं बनाई है, तो आधे लोग मौजूदा पार्टी से बीजेपी में जा चुके हैं। जब सरकार बना लेगी तो पूरे उठकर बीजेपी में चले जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा बचाने आपको। आज किसके दम पर हम खुश हैं? किसके दम पर हम राज कर रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं? हम तो सोचते हैं जो मौजूदा पार्टी रूल कर रही है, जो मौजूदा सरकार है, वो हमें बचाएगी। तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि समाजवादी पार्टी हमें बचा लेगी, मगर जब बीजेपी सरकार आई तो समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी। मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि कांग्रेस हमें बचा लेगी, जब बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस नहीं बचा सकी। तो हमें इन राज्यों से सबक सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना है, मगर हाँ, हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाना है, हमें तंजीम बनाना है, यूएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जिसकी एक आवाज पर अब सब जमा हो जाए। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग जमा हो जाए। एक आवाज देने वाली तंजीम तो होनी चाहिए। कल को मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेती है और सीआरपीएफ रास्ते पे उतार देती है एनआरसी करने के लिए, और अगर हम और हमारे जैसे लोग, राफे भाई जैसे लोग, आपको मैं बता दूं, दिल्ली में शाहीन बाग बना था, आपको याद है, कलकत्ता के शाहीन बाग को पार सर्कस मैदान पे लगाया गया। किसी लोगों को पता नहीं कि उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे राफे भाई का है। ये वो चंद लोगों में से है जो खामोशी से काम करते हैं, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर अजहर सलीम भाई खड़े थे। ये वो लोग हैं जो ता जिंदगी 22 साल से बैक स्टेज पे अपनी जिंदगी काट दिए। हमने कहा कि बस, अब ये दुनिया देखना चाहती है आपको स्टेज पर और आपको सुनना चाहती है। अब वो वक्त चला गया कि आप बैक स्टेज रहकर काम करें, और जो लोग दलाली करते हैं वो स्टेज पर आकर के अपना नमक रोटी बना ले, अपनी घी शक्कर बना ले, वो वक्त खत्म हो गया है। तो आपको समझना है। आप स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देखिए, आपने सुना है स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट, 10 साल पुराना रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस मुल्क में मुसलमानों का हाल दलितों से भी बदतर है, और उस रिपोर्ट ने उसके बाद सॉल्यूशंस तक दिए कि मुसलमानों के हाल को अच्छा करने के लिए ये काम करने हैं आपको। एक नंबर काम ये, दो नंबर काम ये, तीन नंबर काम ये, मगर 10-15 साल हो गए सच्चर कमेटी रिपोर्ट को, मगर आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। आप बताइए, बंगाल से मुझे एक नाम बताइए, आप गौर से सुनिए, पूरे बंगाल से मुझे एक मुसलमान नेता का नाम बताइए जिसने ट्रिपल तलाक पर हमारी हक की आवाज पार्लियामेंट में उठाई हो। एक नाम बता दीजिए, मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा। एक नेता का नाम बताइए जिसने कश्मीर के मुद्दे पे आवाज उठाई हो। एक नेता का नाम बताइए मुझे आप, एक भी नेता का नाम नहीं है जिसने एनआरसी पे आवाज उठाई हो। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉलीपॉप। मुझे पसंद नहीं लोगों का नाम लेना, मगर क्या नुसरत जहां हमारी रहनुमा है, फिल्म एक्ट्रेस को बैठा दिया गया, मुसलमान खुश। देखो, अमर नेता जाच्छे, एटा अमर नेता नाए, अमर नेता रूल अमीन भाई होबे इंशाअल्लाह। यूएसएफ जिंदाबाद, भाई रहमानी भाई साहब जिंदाबाद, भाई जान जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद। अब आप देखिए, हमें बेवकूफ बनाना, इन लोगों को बंद करना होगा। मैं बेवकूफ बनाना बंद करना होगा। अब मैं एक दिन, अब जो लोग हमारे अफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर आते हैं, और जो मुसलमान नेता हिंदुओं भाइयों को झूठ दिखाते हैं उनके दुर्गा पूजा में जाकर, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू बनकर मुसलमानों का फायदा करे और मुसलमान बनकर हिंदू भाइयों का फायदा करे। हमें ऐसे नेताओं की टोपी को उतार देना है। अब उतारेंगे इंशाल्लाह, और ऐसे
ऐसे नेताओं की जो दुपट्टा डालकर आती हैं, उनके दुपट्टे को उतार देना और कहना है नकली दुपट्टा डालना बंद कीजिए। हमें ऐसा नेता चाहिए। अगर आप सच्चा हिंदू बनकर भी आएंगे हम आपको स्वीकार करेंगे, मगर हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए। हमारे इफ्तार पार्टी में आकर हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए। हमारे ईद की नमाज में आकर हमें ये बात कहना होगा खुलकर, अब वरना वो वक्त दूर नहीं। मैं पार सर्कस मैदान में खड़ा था, पार सर्कस ब्रिज के सामने खड़ा था कलकत्ता में, अभी सरस्वती पूजा चल रहा था। और ये मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूँ सवाल, सरस्वती पूजा के दो ट्रक सामने से आए और चिल्ला रहे जय श्री राम जय श्री राम, और हमें देखा हम कुर्ता पजामा पहनकर हैं तो गाड़ी वहां रोक दिया और हमें देख कर चिल्लाने लगे जय श्री राम जय श्री राम। मैं ये पूछता हूँ पहला सवाल आपसे कि अगर आपको राम को याद करना है, और ये मीडिया वालों से मैं कहता हूँ कि मीडिया में बहुत जोर कह रहे हैं कि बंगाल में राम के नाम से तकलीफ, मैं ये कहता हूँ बंगाल में राम के नाम से तकलीफ नहीं। अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा कि अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं, वो राम के बारे में लिखते हैं कि अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। तो ये है हमारे लिए, हमारे दिल में राम के लिए इज्जत। मगर सवाल ये है कि राम का नाम अगर राम को पूछने के लिए लिया जा रहा है तो मैं भी कहूंगा जिंदाबाद, मगर अगर राम का नाम किसी को डराने के लिए लिया जा रहा है तो मुझे कहना होगा कि इसे बंद करना होगा, इसे बंद करना होगा। और इस बात को आप समझे, ये डिफरेंस है कि अगर अल्लाहु अकबर कोई अल्लाह को याद करने के लिए कहता है तो अच्छी बात, मगर अल्लाहु अकबर कोई किसी को डराने के लिए कहता है तो हम उसे कहेंगे कि आप बैठ जाइए, आप जैसे लोगों की इस कौम को जरूरत नहीं। इस फर्क को समझना है हमें। और आज यूएसएफ का गठन किया गया है, उम्मीद करते हैं, और बहुत दुख की बात है कि इतने कम लोग आए हैं। आज वक्त आ गया है कि हमें बंगाल की पॉलिटिक्स को चेंज करना है, ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को चेंज करना है। इतने कम लोगों से काम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी अगली आवाज में जहां तक हमारी निगाहें जाएंगी वहां तक लोगों का समुंदर लग जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप यूएसएफ के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे और हमारी तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।